पंजाब में देखिए चुनावी समर अपने चरम पर है, लड़ाई अब आखिरी दौर में दिखती हुई नजर आ रही है। तमाम जो सूरमा हैं वो जोर आजमाइश में लगे हुए हैं, मैदान में उतर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, बयानों के तीर चल रहे हैं, लेकिन इन बयानों के बीच अब इस सियासी गर्मी का पारा और बढ़ गया है। और वो कैसे बढ़ा, कुमार विश्वास ने बकायदा एक वीडियो जारी किया और उसमें उन्होंने कई आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा दिए, और वो ऐसे आरोप जिससे अब सीधे तौर पर बच पाना आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल दिख रहा है। आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर जो आरोप लगाए गए कुमार विश्वास की तरफ से कि उनके संबंध कहीं और से हैं, किस तरीके की बात उन्होंने कही वो भी आपको बताएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, बीजेपी इस मुद्दे को कैसे भुनाने में लगी है वो भी आपको सुनवाएंगे। तो कुल मिलाकर अब राजनीतिक पारा और बढ़ता हुआ पंजाब में नजर आ रहा है, और अभी ये एक ऐसा बयान जिस पर चाहे वो आम आदमी पार्टी को घेरने की बात हो तो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये सारे दल अब घेरते हुए आम आदमी पार्टी को नजर आ रहे हैं। कुछ बयान है वो जल्दी से आपको सुनवा देते हैं। चन्नी साहब, सुखबीर बादल, कैप्टन अमरिंदर, सिद्धू, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं और सारे ये क्या कह रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं ये क्या आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के दो टुकड़े करने का एक प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है कि देश के दो टुकड़े करेंगे और उनसे उसमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मतलब ये तो कॉमेडी है, ये तो हंसने वाली बात है, ये हो सकता है क्या? 10 साल से केजरीवाल एक प्लान बना रहा है कि देश के दो टुकड़े करूंगा और मैं उसमें से एक का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं इनकी, ये तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हो गया, तो ये इनकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी? पिछले 10 साल में 3 साल तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस वालों ने क्या किया, सो रहे थे वो लोग। 7 साल से बीजेपी की सरकार है केंद्र में, मोदी सरकार है, मोदी जी ने क्या किया, मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी अभी तक? तो ये ऐसी हास्यास्पद बात है जिसको मतलब सुन के ही हंसी आती है, और शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आज तक तो मैं समझता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है, ऐसा तो आतंकवादी आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा। तो कुमार विश्वास जो कह रहे हैं उसके जवाब में अरविंद केजरीवाल बकायदा वीडियो सामने उन्होंने किया और कहा कि वो सब क्या आतंकवादी मानते हैं अरविंद केजरीवाल को, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी भी घेरती हुई नजर आ रही है। अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं सुनिए। एजेंडा क्या है इनका, और ये जो पार्टी का नाम है ना AAP, इसी में इसकी असलियत, इसी में इसका मतलब छिपा हुआ है। AAP मतलब अरविंद एंटी पंजाब, अरविंद एंटी पंजाब, यही है इसका मतलब AAP का। जो पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनने का भी सोच रखते हो, ऐसे आरोपी नहीं, ऐसे इनके साथियों ने बार बार कहा है, एक ने नहीं कईयों ने कहा, अरविंद एंटी पंजाब, पंजाब को कभी मंजूर नहीं होगा। पंजाब, पंजाबी, पंजाबियत के विरोध करने वाले अरविंद एंटी पंजाब कभी पंजाब को मंजूर नहीं होंगे। पूरा का पूरा सिस्टम हमारे खिलाफ खड़ा हो गया है, मेरे भगवंत मान के और आम आदमी पार्टी के। तो मैं पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो सकते हैं तो क्या पंजाब के 3 करोड़ पंजाबी इकट्ठे नहीं हो सकते? इस बार साढ़े तीन करोड़ पंजाबी इकट्ठे हो जाओ और इस बार इस पूरे सिस्टम को हराना है, इन पूरी सारी पार्टियों को, ये पूरा जो सिस्टम है आम अकाली दल का, कांग्रेस का, बीजेपी का, ये पूरा का पूरा सिस्टम इस बार अपने को हराना है, चाहे आप किसी भी पार्टी के हो।